मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि थैंक यू वेरी वेरी मच टू ऑल माय फैंस. जितना प्यार, जितना सपोर्ट आप सब ने मुझे दिया है, आई थिंक वर्ड्स वोंट बी इनफ टू एक्सप्रेस व्हाट आई फील एंड हाउ आई फील. बट आई जस्ट लाइक टू से थैंक यू वेरी वेरी मच, क्योंकि जब तक फैंस से प्यार ना मिले या अप्रिसिएशन ना मिले, आई थिंक आपका काम अधूरा रहता है. एज एन एक्टर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी लव्ड फॉर योर वर्क, फॉर योर जर्नी. और आप सब ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है. रोज़ मैं ट्वीट्स पढ़ती हूँ और लोगों को समायरा खन्ना का रोल बहुत पसंद आ रहा है और मेरा काम अप्रिशिएट किया जा रहा है. आई थिंक एक्चुअली नो, आई जस्ट लाइक टू से थैंक यू. एंड जितना आप लोग सब मुझे अप्रिशिएट कर रहे हो, आई थिंक देयर इज़ नथिंग बेटर देन दैट. And I really, really, really adore all of you. A big, big, big kiss to all my fans. Thank you very, very, very much. Today we have with us the talented actress Kashmira Irani, also known as Samaira from Manmarzia, talking about her journey in the glamour industry. मैंने ads वैड्स किए थोड़े बहुत, फिर अंबर थरा का audition किया मैंने स्वास्तिक पिक्चर्स के साथ ही. और अंबर धरा के लिए गई मैं और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसे ही मिल जाएगा. लेकिन ऐसे ही नहीं मिला. मुझे बोला गया था कि आपकी एक्टिंग ठीक ठाक है, अच्छी है, लेकिन आपको हिंदी पे बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पारसी हूँ और हम बचपन से हिंदी में बात नहीं करते, हम गुजराती में बात करते हैं या इंग्लिश में बात करते हैं. तो मेरे लिए वो भी एक स्ट्रगल था, हिंदी कि कैसे मैं बोल पाऊँगी, मुझसे हो पाएगा कि नहीं. लेकिन रोज़ रोज़ जब अंबर धरा के ट्रेनिंग के वक्त, पहले तो हम चिपके रहते थे, मैं और धरा एक दूसरे के साथ 8 महीने तक हम ऐसे ही चिपके हुए थे. खाना पीना, नाचना गाना, सोना, सब कुछ एक साथ कर लिया हमने. और मैं नव भारत टाइम्स पढ़ती थी एक पेंसिल लगा के मुंह में, और दो दो घंटे, तीन तीन घंटे, चार चार घंटे मैं बस हिंदी पढ़ती थी. आज जो मैं हिंदी आप सबके सामने बोल रही हूँ वो बहुत मेहनत करके बोल रही हूँ. लेकिन जी, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो होती है, जो आपको एज एन एक्टर आप हमेशा एक स्ट्रगल होता है कि आप कैसे अपने आप को एनहेंस करोगे, एंड आई थिंक वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. आज भी जी मैं एक्टर हूँ और मैंने बहुत, मतलब 8-9 सालों से मैं काम कर रही हूँ इंडस्ट्री में, लेकिन वो स्ट्रगल अभी भी है. कैसे आप अपने आप को सस्टेन करते हो इंडस्ट्री में, कैसे आप अपने आप को बेटर और बेटर कर सकते हो, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि सीखना कभी कम नहीं होता है, आपको हमेशा लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको हमेशा सीखना चाहिए और एनहांस करना चाहिए अपने स्किल को, कुछ भी हो सकता है वो स्किल. मैं लाइफ में कुछ भी हड़बड़ी में नहीं कर सकती हूँ. और मैंने टीवी किया, बस मैंने डेली शो नहीं किया. जैसे मैंने यशराज फिल्म्स के साथ 7 किया, फिर एपिक चैनल के लिए मैंने धर्म क्षेत्र किया अभी, फिर मैं जंगूरा कर रही थी 4 साल, तो मैं जंगूरा कर रही थी दिल्ली में. फिर मैं न्यूयॉर्क चली गई थी एक्टिंग कोर्स के लिए, एट द ली स्ट्रासबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट. तो मैंने ये सब किया हुआ है. मैं वर्कशॉप्स बहुत कर रही थी, नीरज कभी जो बहुत ही नामचीन नाम है थिएटर के और अभी फिल्मों में भी, उनके साथ, वो मेरे गुरु है एक्चुअली, लिटरली उनके साथ बहुत सारे वर्कशॉप्स किए. तो मैं ये सब कर रही थी. बस मैंने सोचा था कि मैं जो भी करूँगी लाइफ में, मैं कन्विक्शन के साथ करूँगी. और इस दौरान मैंने किया काम, लेकिन मैंने डेली शो नहीं किया. और मनमर्जिया किया क्योंकि समायरा खन्ना का जो किरदार है बहुत ही अलग है, वो स्टीरियोटिपिकल रोल नहीं है. आई मीन टेलीविजन पे आपको ऐसे रोल्स बहुत कम मिलते हैं. तो आई थिंक समायरा की जो फ्लॉज है, वही मेरे को बहुत, आई मीन आई गॉट अट्रैक्टेड टू द कैरेक्टर, कि बहुत बहुत शेड्स है, बहुत फैसेट्स है समायरा खन्ना के. तो इसलिए मैंने सोचा कि अंबर धरा बहुत अलग था. दो जुड़ी हुई बहनों की कहानी है, उनके स्ट्रगल्स के बारे में ये कहानी है. फिर 7 किया जहाँ मैं सुपर हीरो थी, फिर धर्म क्षेत्र किया, द्रौपदी का किरदार निभाने को मिला,
और अभी समायरा खन्ना, और जंगूरा में मैं प्रिंसेस सोनाली का किरदार निभा रही थी। तो बहुत ही अलग अलग रोल्स मिले हैं मुझे निभाने के लिए, और वही मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग है। मैं एक ही रोल में मतलब 10 साल नहीं टिक सकती हूँ। मैं अगर करना चाहती हूँ तो जो भी करना चाहती हूँ कन्विक्शन के साथ, और मुझे ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मैं इस रोल को जस्टिफाई कर सकती हूँ, और जब तक मुझे वो फीलिंग नहीं आती है अंदर से, मैं नहीं कर सकती हूँ। तो आई थिंक मैं कुछ भी चीज़ हड़बड़ी में नहीं कर सकती हूँ। तो आई थिंक मैं इतनी कन्विंस्ड हो गई मनमर्जिया से और समायरा खन्ना के रोल से, तो मैंने सोचा कि बस मुझे ये करना है। और ऑफ कोर्स सिद्धार्थ कुमार तिवारी, जो स्वास्तिक प्रोडक्शंस के प्रोड्यूसर हैं हमारे शो के, उन्होंने बहुत बिलीफ दिखाया मुझ में, और मैं उस बिलीफ को अलाइव करना चाहती थी एज ए बस। उन्हें मुझ पे इतना विश्वास है, उन्हें लगता है कि मैं समायरा खन्ना बन सकती हूँ। तो बस उनका कन्विक्शन और मेरा कन्विक्शन ऐसे मर्ज हो गया, और आज मैं यहाँ हूँ मनमर्जिया में समायरा खन्ना का किरदार निभा रही हूँ। कश्मीर आल्सो शेयर्ड हर एक्सपीरियंस ऑफ थिएटर एंड व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम शी फेस्ड द कैमरा। पहली बार मैंने एक पॉन्स एड किया था। एक्चुअली मैं अपने कजिन को असिस्ट कर रही थी फैशन डिजाइनिंग में, और बहुत सारे फिल्में और एड्स करती थी, अभी भी करती है, वो एक डिज़ाइनर है, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर। तो मैं उसको असिस्ट करती थी, और एक टाइम एक एड पे हम शूट कर रहे थे और पॉन्स का कुछ ऑडिशंस चल रहे थे, तो मुझे भी बोला गया था कि आप एक ऑडिशन दे दो। तो आज लाइक ठीक है, मैंने वो ऑडिशन दे दिया। बहुत ही छोटा सा, एकदम छोटा सा पार्ट था उसमें, लेकिन मैंने वो ऑडिशन दिया और मुझे एड मिल गई। और फिर उसके बाद मैं ऊटी गई थी शूट करने के लिए, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी और बहुत नर्वस भी थी एक्चुअली कि कैसे कर पाऊँगी, हो पाएगा मुझसे कि नहीं हो पाएगा, लेकिन हो गया। और उसके बाद आई थिंक मैंने बस डिसीजन लिया कि मैं और कुछ नहीं कर सकती हूँ। कैमरा के सामने जो मुझे मज़ा आता है, जो मुझे वो एक इनर सेटिस्फैक्शन होता है, जो आपको वो जो खुशी मिलती है ना, मैं एक्चुअली बता नहीं सकती हूँ क्योंकि ये शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन फॉर मी एक्टिंग इज़ माय लाइफ। एक्चुअली मेरे साथ कुछ उल्टा हो गया। मैंने टेलीविज़न के साथ शुरुआत की, फिर मैं थिएटर में गई, जैसे किंगडम ऑफ ड्रीम्स एक जगह है गुड़गांव में, वहाँ मेरा म्यूज़िकल चलता था। अभी भी चल रहा है, लेकिन मैं थोड़ी बिजी हो गई मनमर्जिया के साथ। लेकिन मेरा जर्नी थोड़ा उल्टा था। मैंने टेलीविज़न लाइक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा से शुरुआत की, फिर थिएटर किया मैंने। और एक्चुअली थिएटर में जो लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना एक अलग ही हाई होता है, क्योंकि आपको पता चलता है कि आपकी ऑडियंस आपको पसंद कर रही है या ना पसंद कर रही है, तो आपके सामने होता है सब कुछ। एंड ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें जब आप थिएटर में, आप स्टेज पे हो, ये सब चीज़ें मतलब मायने नहीं रखती है। आपको बस आपका बेस्ट देना चाहिए, और आपको हमेशा एक्चुअली कैमरा के सामने भी बेस्ट ही देना चाहिए, और बेस्ट देना मतलब 100%, चाहे वो थिएटर हो चाहे वो कैमरा के सामने हो, आपको हमेशा 100% देना ही चाहिए एज एन एक्टर, और वो ऑनेस्टी के साथ काम करना चाहिए। जब आप ऑनेस्टी के साथ काम करते हो ना, वो दिख जाता है एज एन एक्टर, आपका जो आप जो है, आई मीन एज ए ह्यूमन बीइंग, आपकी पर्सनालिटी जो है वो कहीं ना कहीं आपके एक्टिंग में रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप थिएटर करो या फिल्म करो या टीवी करो या जो भी करो, लेकिन आप जो भी करते हो लाइफ में ना, ऑनेस्टी के साथ करो, और वो काम में मतलब रंग लाएगा ही लाएगा। जब मैं पहली बार हमारा प्रीव्यू शो हुआ था, जंगूरा का प्रीव्यू शो, माय थिएटर माय म्यूज़िकल, मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि पहली बार मैं थिएटर कर रही थी। उससे पहले ऑफकोर्स हमने बहुत रिहर्स किया और बहुत कुछ हुआ था, लेकिन वो जो लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना सबके सामने, क्योंकि सबकी आँखों आप पे टिकी हुई है, सबकी आँखें आपके ऊपर टिकी हुई है, और आपको देखेंगे लोग लाइव। मुझे अभी भी याद है, जैसे जंगूरा में मैं बहुत एरियल वर्क करती हूँ, बहुत ही हार्नेस
हानस पे उड़ती हूँ और वो सब करती हूँ मैं संगूरा में. तो मेरे लिए जब वो एंट्री सीन था मेरा, मेरा दिल ऐसे धक 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 धक, ऐसे मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, लोग मुझे पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, मैं फंबल तो नहीं करूँगी, अरे इधर ना रीटेक नहीं होगा, अरे ये होगा वो होगा, दिमाग में जो जो चीज़ें चल रही थी मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँगी कैसे करूँगी. लेकिन हो गया, क्योंकि फिर मेरे डायरेक्टर आए मेरे पास और मुझे बस इतना बोला कि बहुत सारे लोग हैं आज तुम्हें लाइव देखने वाले हैं, बस तुमको और कुछ नहीं करना है, बस तुमको एक्टिंग करना है और जो तुम इतने दिनों से कर रही हो बस उसका रिजल्ट है आज ये, और बस जो भी कर रही हो ऑनेस्टी के साथ कर रही हो, सब भूल जाओ कि लोग मुझे देख रहे हैं देख रहे हैं, वो सब भूल जाओ. और मैं वो सब भूल गई और वो परफॉर्मेंस मैं आज तक नहीं भूली हूँ. वी सबके लिए, पूरे कास्ट और क्रू के लिए, हमको जो तालियां मिली है, जो अप्रिसिएशन मिला है, मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी. एंड ऑफकोर्स जो लाइव ऑडियंस के सामने आपके पास रीटेक्स का मौका नहीं मिलता है तो आप बहुत अलर्ट रहते हो, थिएटर में आप बहुत अलर्ट रहते हो, आपका दिमाग हमेशा मतलब हर हर दिशा में रहता है. तो आई थिंक वो थिएटर में बहुत अच्छी चीज़ है जो आप आपको सीखने मिलता है. और कैमरा के सामने जी रीटेक्स मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ना मतलब आप 100% नहीं दोगे, आप हर शॉट में 100% दोगे, लेकिन अगर आप फंबल करते हो या ऐसा कुछ करते हो तो आपको एक और मौका मिलता है जो स्टेज पे नहीं मिलता है. एंड फॉर मी दोनों ही मीडियम्स बहुत ही इन्जॉयबल है, बहुत ही सेटिस्फाइंग है और मुझे बहुत अच्छा लगता है दोनों मीडियम्स पे, स्टेज पे एज वेल एज इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. Kashmira, your journey has been a roller coaster and we wish you all the best for your future. Neha Sawant, cameraman Mangesh, India Forums, Mumbai. Hi, I'm Kashmira Irani and you're watching me on India Forums. And kindly subscribe to WhatsApp TV.